ये मेरी पत्नी है, मैं राजापुर मेन रोड राजापुर का रहने वाला हूँ। अंकल जी कब से आंटी को दिक्कत हुई थी? ये लगभग 2 साल हो गए, लगभग 2 वर्ष हो गए। 2 वर्ष से पहले से दिक्कत हुई थी, क्या दिक्कत होने लगी थी उस टाइम में? सीने में दर्द हो, कमर में दर्द, सीढ़ियों से भी गिर गई थी उसी टाइम में जी। तो कहाँ दिखाया था सबसे पहले? सबसे पहले हमने दिखाया था इलाहाबाद अनिल अग्रवाल के यहाँ। तो वहाँ पे क्या डॉक्टर ने बताया अनिल अग्रवाल जी ने? उन्होंने कुछ नहीं बताया, दवा भर दिए थे। कितने दिन दवा करवाई यहाँ पे? दवा कराए करीब 2-3 4 महीने। 4 महीने कुछ आराम मिला था वहाँ से? नहीं, कोई आराम नहीं, कोई आराम नहीं मिला। फिर उसके बाद में कहाँ दिखाया? फिर इसके बाद हम दिखाए पीसी सक्सेना इलाहाबाद। फिर उन्होंने क्या बताया? उन्होंने हार्ट प्रॉब्लम बताया, जांच करके हार्ट प्रॉब्लम बताई थी। तो वहाँ पे कितने दिन इलाज चला? वहाँ इलाज चला करीब 5-6 महीने। 5-6 महीने इलाज करवाया था। फिर उसके बाद कोई फायदा नहीं हुआ, कोई आराम नहीं मिला था। फिर इसके बाद दिखाया कानपुर कार्डियोलॉजी जी, वो लगभग साल भर चला, वहाँ आराम मिला, लेकिन आंखों से दिखाई भी कम देने लगा, मतलब दिक्कत। हाँ, अंग्रेजी दवा। तब फिर हमको यहाँ का पता चला, हमारे घर के बगल के दो, उस टाइम में इनको थायराइड की भी प्रॉब्लम हुई थी, उसकी भी दवा दी जा रही थी। हाँ, हाँ, 2 साल से थायराइड की भी दवा दी जा रही थी, और चलने में बहुत ज्यादा समस्या हो रही थी, बिल्कुल नहीं चल पा रहे, एक भी कदम चलने नहीं चल पा रहे, बिल्कुल दिक्कत होती, 2 साल से बिल्कुल नहीं चल पा रही थी, और सांस भी फूलती थी, वजन भी काफी था। तो फिर उसके बाद में जब आपने कानपुर में दिखाया, 1 साल इलाज भी करवाया, तो वहां से आराम तो मिला, लेकिन आंखों में दिक्कत आई थी, गर्मी ज्यादा, मतलब गर्म होने की वजह से। और फिर आपको यहाँ आयुष ग्राम चिकित्सालय चित्रकूट के बारे में कैसे पता? हमारे घर के बगल में एक राजीव कौशल है जी, उन्होंने बताया कि हमको मम्मी को दिखाने जाना था, तो हम तो नहीं जा पाए, लेकिन बहुत अच्छा हॉस्पिटल है राजापुर के, देवकी एक हलवाई यहाँ आया था, देवकी नंदन, तो पता चला कि अभी अभी दिखा के हैं, तो वहाँ दिखा दो। तो मैं 2 दिन पहले भेजा, मैंने कहा पता लगाओ कि कहाँ पे है और क्या क्या मतलब व्यवस्थाएं हैं। तो वो आए शनिवार के दिन, फिर संडे के दिन गुरुपूर्वा पड़ता था, तो कहा संडे को ना के मंडे को सोमवार। हाँ, क्योंकि उस दिन की ओपीडी एक दिन सर ने बढ़ाई थी। तो फिर सोमवार को मैं पत्नी को लेवा के स्वयं आया। जब आप आंटी को लेके आए थे यहाँ पे, तो गुरु जी के पास दिखाया होगा, गुरु जी क्या बोले थे उस टाइम में? कहते गुरुजी बोले हैं कि आप भर्ती, आप 7 दिन के लिए आपको भर्ती एडमिट होना पड़ेगा, भर्ती होना। तो हमने पूछा कि कब कर दें, उन्होंने कहा कि जब आपकी सुविधा बन जाए, हमने कहा तुरंत कर दीजिए भाई, क्योंकि हम आए हैं इलाजे कराने। भर्ती हो गई, इलाज में हमको मतलब लगभग 90% फायदा, तुरंत दूसरे दिन ही हो गए, मतलब मतलब बिल्कुल नहीं चल पाती थी। आज तो ये है कि 40 सीढ़ियां उतर, दिन में 2-3 राउंड चढ़ना, हाँ, यहाँ से गौशाला तक घूम जाना, हर जगह घूमना जी जी जी। अरे एक कदम नहीं जा सकती, एक कदम भी नहीं चल पाती थी। अब गौशाला मेन गेट तक खूब घूम फिर आती है, जबरदस्ती दुकान है, ये किचन है, मतलब जबरदस्ती 2 बैठकों का मैं उतनी दूर किचन जा पाती थी, तब मैं स्कूल में रखता था, तो जबरदस्ती खाना बना लिया, क्योंकि खाना मजबूरी बनाना। और इतना इलाज कराने के बाद? हाँ हाँ, नहीं नहीं, 2 साल से बहुत परेशान हो गए थे आप लोग, आंखों में जो साइड इफेक्ट पड़ा हुआ लगभग। हाँ हाँ हाँ, अब 8-8 गोली 10-10 गोली एकदम, 8-8 गोली खाते थे डेली। हाँ, बहुत ज्यादा दिक्कत। 7 दिन आप यहाँ पे भर्ती रहे, चिकित्सा लिए आगे, हाँ, तो इसमें आपको 90% लाभ मिल लग रहा है। अंग्रेजी दवा सारी बंद हो गई आपकी? एक महीना पहले बंद कर दिया, पहले बंद कर जी। हाँ, गोली तो नफरत से बंद कर दिया, मुझे मालूम ही नहीं था जी, अचानक मैं जाने पाऊँ तो मैं कहे बंद कर दी, ये प्रॉब्लम है। तो फिर जब ये पता चला तो उनका चलो सीखे। फिर आप और कुछ कहना चाहेंगे हॉस्पिटल के बारे में, सर गुरुजी के बारे में, हम लोगों के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था कि हम आपसे क्या बताएं। तो सबसे यही कहेंगे कि वैसी जगह कहाँ मिलेगी हमको, और बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ से, यहाँ हमको मिली, सुविधा भी बहुत अच्छा मिला, और व्यवहार भी बहुत अच्छा स्टाफ का मिला, हम खूब संतुष्ट है यहाँ से जी। हाँ, बहुत भरोसा है। हाँ, शुरू में नहीं था, हमने कहा यार पता नहीं, नहीं ये बात सही है शुरू में, लेकिन हमको बहुत बड़ा भरोसा है। हाँ हाँ, ठीक, और बहुत आराम मिला, ठीक है।